नमस्कार दोस्तों, मैं रम्या, आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे द ब्रांड न्यू टीवीएस अपाची आरटीआर 180 के बारे में और BS6 आरटीआर 180 के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ये जो मॉडल है उसके लिए आप सबकी बहुत सारी डिमांड थी कि वीडियो बनाओ, साथ ही में 180 BS6 में आती है या नहीं आती है। तो बिल्कुल आती है, और आज पूरा वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरा फुल डिटेल्ड रिव्यू दूंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो चलिए चलते हैं। तो भट्ट कार फैमिली, सबसे पहले बात करते हैं टीवीएस अपाची आरटीआर 180 BS6 के प्राइस के बारे में। तो प्राइस के बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी जो रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, आपकी सिटी का नेम, स्टेट का नेम और पिन कोड आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दे दीजिए। मैं वहीं पर ही रिप्लाई कर आपकी सिटी का ऑन रोड प्राइस आपको दे दूंगा। साथ ही में अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए डीलरशिप से संबंधित या गाड़ी की प्रोडक्शन लाइन से संबंधित, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे हैंडल आ चुका होगा और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा। आप मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पर मैसेज कीजिए, आपको लिंक वगैरह जो भी चीज़ चाहिए वो मैं आपको वहीं पर दे दूंगा। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स टीवीएस अपाची आरटीआर 180 के इंजन के बारे में और पावर और परफॉर्मेंस के बारे में। तो आपको मैक्सिमम पावर 16.3 BHP की दी जा रही है एट द रेट ऑफ 8500 के RPM में इस इंजन से। और ये जो इंजन आप देख रहे हैं, ये 177.4 cc का इंजन डिस्प्लेसमेंट के साथ में आता है और 15.5 NM का ये इंजन टॉर्क जनरेट करता है एट द रेट ऑफ 7000 के RPM में, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और कह सकते हैं कि अपाची आरटीआर 180 अपने इंजन के टॉर्क के कारण ही बहुत ज़्यादा मशहूर है, टॉर्की इंजन के कारण ही ये फेमस हुई है। साथ में अगर बात करें कूलिंग सिस्टम के बारे में, तो आपको ऑयल कूल्ड सिस्टम इसके अंदर दिया जा रहा है और RTFI सिस्टम आपको मिल जाता है, यानी कि ये जो गाड़ी है अब पूरी ECU फंक्शनिंग पे बेस्ड है, यानी कि इंजन कंट्रोल यूनिट आपको पूरी दी जा रही है। साथ ही में RTFI यानी कि रेस्ट ट्यून फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ में आती है। FI सिस्टम अब आपको इसके अंदर मिलता है, पहले कार्बोरेटर आता था, अब आपको BS6 के अंदर FI देखने को मिलेगा। साथ ही में अब इसके अंदर आपको कैटलिटिक कन्वर्टर भी मिल जाता है, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। और ये जो है, ये साइलेंसर से निकलती हुई जो भी गैसेज हैं उसको फिल्टर कर बाहर छोड़ने का काम करता है, जिससे कि गाड़ी का जो पॉल्यूशन है वो कम होता है। तो ये फ़ायदा आपको इसके अंदर मिल जाता है। और साथ में अगर बात करें इंजन की फंक्शनिंग के बारे में, तो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स टीवीएस अपाची आरटीआर 180 के टायर्स एंड सस्पेंशंस के बारे में। तो आपको 270mm के डिस्क ब्रेक दिए जा रहे हैं, जो कि आपको रोटो पेटल डिस्क ब्रेक मिलते हैं। 17 इंच के ट्यूबलेस टायर अलॉय व्हील के साथ में दिए जा रहे हैं, जिसपे भी आपको टीवीएस रेसिंग की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन दिए जा रहे हैं और आपको सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके रियर के बारे में। तो रियर में आपको मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फिलेट शॉक एब्जॉर्बर दिए जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको MIG मिल जाते हैं इसके अंदर सस्पेंशन। साथ ही में रियर में भी आपको सेम साइज़ का टायर दिया जा रहा है, 110x80 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर और 200mm के डिस्क ब्रेक आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। और डिस्क ब्रेक जो हैं वो आपको रोटर ही दिए जा रहे हैं, यानी कि रोटो पेडल डिस्क ब्रेक ही आपको मिलते हैं। साथ में अगर बात करें इसके MIG सस्पेंशन के बारे में, तो आपको हाई एंड स्पीड्स में बहुत अच्छा कंफर्ट देने का काम करता है ये सस्पेंशन, और वाकई में बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन मुझे भी ये लगते हैं। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स टीवीएस अपाची आरटीआर 180 के डायमेंशन एंड चेसिस के बारे में। तो आपको 2085mm की लेंथ दी जा रही है, 730mm की आपको विड्थ मिलती है और 1105mm की हाइट दी जा रही है। गाड़ी का ओवरऑल व्हील बेस 1300mm का देखने को मिलेगा और साथ में ग्राउंड क्लियरेंस 170mm का दिया जा रहा है। 790mm की सीट हाइट मिल जाती है और 141kg का कर्ब वेट दिया जा रहा है। चेजीज की अगर बात करें, तो आपको डबल क्रेडल सिंक्रो स्टीप चेजीज इसके अंदर दी जा रही है। साथ में अगर ओवरऑल राइडिंग रेंज की अगर बात करते हैं, तो 504 किलोमीटर तक आप इसको आराम से चला सकते हैं। माइलेज ओनर रिपोर्टेड की अगर बात करूं मैं, तो 40 किलोमीटर पर लीटर तक का आपको इसके अंदर मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 12 लीटर्स की इसके अंदर दी जा रही है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स टीवीएस अपाची आरटीआर के डायमेंशन के बारे में। तो 180 का जो डायमेंशन है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गाड़ी का एक तो डायमेंशन बहुत ही सही है। मेरी हाइट 5'11" की है, मेरे को बहुत ही आरामदायक फील होता है गाड़ी चलाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप 6 feet टॉल भी हैं तो भी आप इसको आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर आपकी हाइट 5'6" से नीचे है तो आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं इसको चलाने के अंदर। लेकिन हाँ,
ऑन एन एवरेज अगर आपकी हाइट 5-6 से अच्छी है या 5-6 भी है मिनिमम, तो आप इसको आराम से चला सकते हैं। हैंडलिंग की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो हैंडलिंग है वो भी आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। हाई एंड स्पीड में थोड़ा सा आपको वाइब्रेशन फील हो सकता है, एटलीस्ट मैं आपको बताऊं तो 100-110 किलोमीटर तक की बात में, बाकी तो बहुत ही अच्छी गाड़ी है। बहुत ही अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से इसको बनाया गया है TVS की तरफ से, और कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी भी आपको बहुत ही अच्छी दी जा रही है। बाकी अगर मैं बात करूं इस गाड़ी के बारे में, तो वैसे ही करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप सब लोग इसको इतना प्यार देते हो, जो कि मैंने मेरा जो पहला 180 का वीडियो था उसमें मैंने देखा, आप में से कई लोगों के बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे इसके लिए, इसलिए बहुत लोग प्यार देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स TVS Apache RTR 180 के डिज़ाइन एंड लुक के बारे में। तो आपको फ्रंट के अंदर LED डे टाइम रनिंग लाइट्स दी जा रही है, हेलोजन हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं, फुल शेप एरो कट्स में आपको बॉडी दी जा रही है इसकी, और आपको स्टार्ट से एंड तक में आपको अच्छी खासी बॉडी ग्राफिक्स भी इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। फ्यूल टैंक पर आपको ट्रस्ट वैल्यू एंड सर्विसेज का लोगो देखने को मिल जाएगा, और RTR की बैजिंग भी आपको वहीं पर दी जा रही है। साइड में Apache की बैजिंग आपको मिल जाती है, और अगर इसके मीटर कंसोल की बात करें तो वही आपको ओल्ड मीटर कंसोल इसके अंदर दिया गया है। स्पीडोमीटर आपको डिजिटल मिल जाता है, फ्यूल मीटर डिजिटल दिया जा रहा है, RPM मीटर आपको एनालॉग दिया गया है। और अगर बात करें इसके मीटर कंसोल के बारे में, तो इसी के अंदर आपको ECU की फंक्शनिंग मिल जाती है, माल फंक्शनिंग लाइट वगैरह, इंजन किलिंग से लगा के सभी प्रकार की स्विचेज आपको इसके अंदर दिए जा रहे हैं। रियर में आपको वुमेन फुटरेस्ट और RTR 180 की बैजिंग भी मिल जाती है, और मेड इन इंडिया का स्टीकर भी आपको मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके रियर के बारे में, तो रियर में भी आपको बॉडी ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगी, जैसा कि मैंने कहा स्टार्ट से एंड तक आपको अच्छी खासी ग्राफिक्स दी जा रही है। LED टेल लाइट्स आपको इसके अंदर मिल जाती हैं, और अगर साथ में बात करें इसके अंदर इंडिकेटर्स की, तो आपको बेसिक इंडिकेटर्स ही इसके अंदर दिए जा रहे हैं, एडजस्टेबल आपको नहीं मिलते हैं। स्टील हीट गार्ड आपको मिल जाता है, और अगर बात करें पिलियन फुट रेस्ट की तो भी आपको मिल जाता है, और ग्रैब रेल्स भी आपको दिए गए हैं। साथ में आपको MIG सस्पेंशन वगैरह की और TVS रेसिंग की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये एक रेसिंग बाइक है, इस हिसाब से आपको बहुत ही अच्छी खासी इसके अंदर ग्राफिक्स और बैजिंग मिल जाएगी हर जगह पर, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी। साथ में अगर बात करें डिज़ाइन की, तो ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो पुरानी Apache RTR 180 से मिलता जुलता ही है, बस थोड़े से कॉस्मेटिक चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे BS6 के अंदर। तो भट्ट्स कार फैमिली, कैसा लगा ये वीडियो जरूर हमें कमेंट्स में बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, देख लीजिए आपकी Apache 180, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे भाई सचमुच लॉन्च हुई है क्या, BS6 के अंदर आ गई है क्या, आप वीडियो बनाएं, आप रिव्यू करें, आप जो कर सकते हो करें, पर हमारे को गाड़ी दिखाएं, बहुत सारे कमेंट आए थे। तो भाई आज आपके लिए हमने गाड़ी का वीडियो बनाया है, वीडियो को जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, टारगेट नहीं दे रहा हूँ, पर प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो आपके दोस्तों को भी, और प्लीज़ प्यार दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा खम्मा गणी।